हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे गुड मॉर्निंग, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे? सभी अपने अपने कामों में जुटे रहे होंगे। और जैसे कि नया साल आने वाला है और 2 दिन बचे हैं हमारे पुराने साल के, सभी के मन में, सभी के घर में खुशी मिले और नए साल की एडवांस में ढेर सारे शुभकामनाएं। और रहा आज हम कुछ अपने घर की चीज़, अपने हाथों से कुछ ऐसा चीज़ बना रहे कि आप लोगों को शेयर करूँगी, वो दिखाऊंगी कि हम लोग जब कोई चीज़ को सीख लेते हैं तो किस प्रकार खाते हैं और कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को मैं आपके अपने YouTube द्वारा आपको दिखाऊंगी। और शेयर मैं घरेलू चीज़ को ही ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि अपने हाथ से जो बनाया है उसी को दिखाऊंगी। और वो चीज़ हम दो चार पांच महिलाएं और वो करके साथ में मिलके कर रहे हैं। और पीछे से खाने वाला भी आ रहा है, ये खाएगा या नहीं खाएगा? और सुंदर फूल, जय तुलसी। देखो दोस्तों, मैं दही बड़ा बना रही हूँ। और दही बड़ा ये पहले मैंने, अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं दही बड़ा बना रही हूँ। अपने दोस्त लोगों के घर गई हूँ और वहाँ जाके मैं रसोई में, देखो चूल्हा, ये चूल्हा में आग जला है और तेल डाला है कढ़ाई में, और दही बड़ा बना रही हूँ। और दही बड़ा बनाते हुए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस प्रकार दही बड़ा बनाया जाता है। देखो, जैसे कि ये हमने मांस उड़द की दाल पीस रखी है, मांस जिसको मांस कहते हैं, और इसमें मेरे दही बड़े बनने हैं। और ये इसमें ये दही बड़े को हमने ऐसे निकाल दिए हैं, और इसको अब ऐसे बना, इसमें दही इसको करके पानी में डाल के, दही और वो दही और वो करके पानी में डाल के, और फिर हम इसको, इसकी चटनी भी बनाई है। और क्योंकि ये घर की हमारे अपने हाशी की रसत है जो हम दही बड़े बना रहे हैं। ये हमने दही बड़े की चटनी बना रही हुई है, क्योंकि ये दही बड़े की अभी हमने इसमें वो निकाल रखा है, लेकिन इसको अभी पका के इसको करेंगे। ये दही बड़े के ऊपर रखा है, और अभी मैं जो दही लाई हूँ, दही अपने घर से, ये है दही, क्योंकि इसमें दही बड़ा में सबसे ज़्यादा दही बड़े का दही लगता है। ये मैं दही लेके आई हूँ दुकान से। और इसकी चटनी इतनी सुंदर होती है, क्योंकि दोस्तों लोग यहाँ पे चूल्हा जला रखे हैं, ये चूल्हे में बना रहे दही बड़े। क्योंकि घर हम पहाड़ी लोग छो, हर चीज़ है कि हमारी, जैसा हम यूट्यूब द्वारा सीखो हर चीज़ कैसे बनाओ, उसका आप लोग भी हमारे साथ यूट्यूब द्वारा हमें साथ सहयोग देना और साथ देना। क्योंकि जैसे हम लोगों ने हर एक चीज़ आपके YouTube द्वारा ही सीखा है, ये कैसे बनता है, क्या बनता है, वैसे आप लोग भी हमारे पहाड़ी चीज़ों को देखकर, पहाड़ी खेती देख के, पहाड़ी चीज़ देख के, पहाड़ी जंगल देख के, या पहाड़ी हमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो, कैसे प्लान हो रहा है, उस चीज़ के लिए आप भी हमारे YouTube चैनल को ज़रूर देखना। और ये रहा। और अभी जब मैं ये पूरा बन जाएगा, इसके मसाला वसाला जब कटोरी में रखेंगे, फिर मैं आप लोगों को इसको दिखाऊंगी कि किस प्रकार ये करा। चटनी बननी है, देखो ये दही बड़े के लिए दही तैयार कर रहे हैं हम, और चटनी अभी दिखाई दही बड़े की। और ये दही फेंटने वाला है, और दही फेंट रहे हैं उसके लिए, और वो चूल्हा जला है जो काम कर रहे हैं हम। और अभी जब मेरे हमारे दोस्त लोग खाने आ जाएंगे तो सबकी फोटो लेंगे और आप लोगों को शेयर तक करूँगी। ओके, ये बन चुके हैं दही बड़ा, बड़ी ज़रा छोटी सी हो रही है। और ये देखो, इसमें अभी चटनी गिरेगी, और ये चटनी बनी।
यह है दही बड़ा। अब भाभी जी दही बड़ा बना रहे हैं, हम दूसरे गांव में आए हैं और लेकिन अपने दोस्त के घर में आए हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत ही अच्छे यार, तुम क्यों कर रहे हैं हमारे दिल दुखाने वाली बात? दिल नहीं, बहुत ही दिल, जैसे आपका मैं यूट्यूब बनना है मेरा, मैंने कल जितना मेरे मन में था वो मैंने बोल दिया है। अब मुझे किसी की डर नहीं है, मैं अपने यूट्यूब पे खुला वो करूँगी, जिसने हमारे साथ वो कर रखा है, कोई वो नहीं है मुझे। आज तक तो मैं अपने गाँव है करके मैंने कहा खाली विपक्ष क्यों करना है, बिल्कुल जब पता है तभी तो कह रही हूँ, जब विपक्ष में है तभी तो कह रही हूँ। ये पूजा है मैं हमारी दौरानी और ये हमारे दही बड़ी बन चुके हैं, ये हमारे सासू जी हैं जो दही बड़ी बना रहे हैं और कितने अच्छे शीर सीनरी है हमारे घर से देखो ये पहाड़ में, और इतना बड़ा आंगन है और हम दही बड़े खाने की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों लोगों दही बड़े मैंने अपने हाथ से बना रखी है, ये मत कहना सासू जी ने बनाए या दौरानी ने बनाया है, ये मैंने बनाए हैं देखो। इसमें क्या तुम्हारे ताइश में दही बड़े में क्या क्या लगा है? दही बड़े में लगे हैं उड़द की दाल और इमली की चटनी, उसमें जीरा पाउडर, नमक, चीनी और सारे चीजें डाल रखी हैं, और गोला डाल रखा है, ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं, सभी चीज मिला के इनके साथ चटनी के साथ होपली दही। ननाना उन्हें मुना पेट बहुत भयंकर हर चीज मेरा मेरे ये तो मेरे लगे झाड़ में देखो दोस्तों ऐसे बनते हैं दही बड़े। और हमने तैयार कर दिए सारे मसाले डाल के और मसाला सारा कुछ डाल के, इसमें कोई कमी या कोई दूसरे प्रकार बनाए तो कंप्लेंट में अवश्य लिखना, जैसे हम आते हैं वैसे हमने बनाए हैं। और लेकिन यह है कि बड़ी ज़रा छोटी हो गई है, बड़ा ज़रा है। देखो दोस्तों लोगों हमें दही बड़ी पार्टी चल रही है, ये है मेरी दौरानी और ये है मेरी भाभी जी, ये हमारे गांव की दौरानी, ये मैं हूँ और जिसके घर में आए हैं वो अंदर हैं अभी, और ये बनी है दही बड़ा और हम पार्टी कर रहे हैं क्योंकि गांव वालों ने बड़ा सहयोग दिया हमें, जिन्हें दिया उनको भी सहयोग के साथ हम अच्छी सी पार्टी कर रहे हैं, हम कभी दुखी नहीं होते हैं, हम स्वस्थ हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम भले ही गुरु हैं तो हम अपने परिवार से मस्त हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी की हमें। देखो दोस्तों लोगों अब मैं खा रही हूँ दही बड़ा, बहुत स्वाद हो रहा है, टेस्टी टेस्टी हो रहा है और ऐसी टेस्टी बनते रहे हम खाते रहे और सर्दियों में हम मनाते रहे। लंबी हो उम्र तुम्हारी जिसने हमको ये खिलाए, हम तो यही अरमान मांगते हैं कि हर रोज हमारे ऐसी पार्टी बनते रहे। नया साल आने वाला है भैया, नए साल आने वाला है, नए साल में बनाओ, पुराने साल में हमने सब दुख दले दर गांव सब सब त्याग दिया, सब परेशान कर रहे हैं उनको, पुराने दोस्त सब त्याग दे हैं, नए दोस्त जो बनेंगे वो अलग चीज है, जब हमको पुराने साल में हमको हटा दिया हम दूसरे गाँव के हो गए तो ये नया साल है। देखो कुछ कहोगे मेरे चैनल के लिए? बताओ क्या क्या बताऊं फिर? कुछ नहीं ताजी, बाज लगा बोलोगे मेरे चैनल? हाँ बोलो। बहुत अच्छा चैनल है लीला देवी का, इनके लिए वो किया जाए, क्या कहते हैं
वो क्या कहते हैं, वो हो गया चंगुली खाई मैंने। शक शक शकराई शकराई, ये हमारी दीदी। हेलो हाय, बहुत अच्छा चैनल है लीला देवी का, बहुत अच्छा गाना गाती है, अच्छा डांस करती है, अच्छा बोलती है। हमारे गांव के, दूसरे गांव के हो? नहीं, आपके गांव के हैं। तुम हमारे गांव के हो? ठीक है, ओके। और इसके इससे आपको मिलाई चुकी हूँ मैं, ये गीता देवी से हाय बाय कर दे। बहुत अच्छा चैनल है, इसको सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, अब हम अपने घर को जा रहे हैं और दिन भर की मीटिंग मेरी खत्म हो गई है और गांव से अब हम अपने लिए लकड़ी लेने, हरी घास लेने जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। चलो।